हाय फिजिक्स। अरे फिजिक्स, तुम अभी आ रही हो? ओ हाय एवरीवन। वो हम अभी आए ना, क्योंकि मेरा रास्ते में एक्चुअली गलती से कोलिजन हो गया था मैथ्स के साथ। दैट हैंडसम गाय जो नया आया है, तुम लोग तो जानती भी नहीं होगी उसको। अरे नहीं, हम लोग को लगा कि तुम्हारा हम लोग से अच्छा केमिकल इक्वेशन नहीं बन रहा है, तो तुम किसी और के साथ चली गई कोवेलेंट बॉन्ड बनाने। और बताओ केमिस्ट्री, तुम्हारा लाइफ कैसा चल रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है या वही पुराना सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रही हो? तुम्हारे रिफ्लेक्शंस देखते रहती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, घर के ही रहते हैं मोस्टली। अरे हम अपना क्या बताएं यार, मेरा तो हाल बिल्कुल खराब हो गया। मेरी लाइफ ही पूरी की पूरी डीनेचर कर गई है। अब ना मेरा गुस्सा से पारा एकदम एंड पॉइंट तक पहुंच गया है। कुछ भी कर सकते किसी के साथ। अरे यार चिल करो, वरना हार्मोन्स के डिसबैलेंस के कारण तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इतना ज्यादा मेरा एनर्जी लेवल हाई हो गया है ना कि मेरा सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स बिगड़ गया है। ऐसे कंडीशन में इक्विलिब्रियम में कैसे रहें यार? कैसी हो फिजिक्स, तुम्हारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है? एंड हाउ इज एवरीथिंग विद योर इकोसिस्टम? हम कैसे होंगे? एज यूजुअल अट्रैक्टिव। हमको समझ में नहीं आता हम जहां भी जाते हैं लोग मेरे पीछे अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। आई थिंक आई एम अ मैग्नेट। आई मीन क्योंकि जहां जाते इतने सारे डाउट्स एंड ऑल, आई मीन एक्चुअली सब तुमसे डरते भी तो हैं। सबका हार्ट रेट बढ़ जाता है तुम्हारे क्वेश्चन देख के। हमको तो लगता है तुम्हारे जीन्स में ही फीलिंग ऑफ फियर है फॉर एवरीवन। डरे चाहे जो करें, जिस नीट एस्पिरेंट के पास तुम जाकर देखोगी वो मेरे बारे में डिस्कस करते रहता है, मेरी ही चर्चा होती रहती है हमेशा। अब अच्छी हो या बुरी हो वो अलग बात है, बट 24 आवर्स मैं ही रहती हूँ उन लोगों के दिमाग में। ऐसा बात नहीं कि कोई हम पे फोकस नहीं करता है, मेरा कोई कोई चैप्टर्स देखकर ना उन लोगों का भी दिमाग बफर करने लगता है, ठीक है ना? हाँ मतलब कभी कभार तुम लोगों के बारे में भी सोच लेते होंगे, बट आई नो दैट आई एम दैट स्टेट ऑफ इनर्शिया। बट जितना भी हम लोग भाव खा लें या स्टाइल मार लें, तुम्हारा जितना क्रेज है उतना किसी का नहीं होता है। तुमसे सब लोग बहुत ज्यादा डरता है। आई मीन हम लोग का तो अभी हम लोग पे अटेंशन ज्यादा दिया जा रहा है क्योंकि डेट्स आ गए हैं। तुम पे तो पूरे साल ही अटेंशन रहता है, और गर्मी के मौसम में तो तुम अकेली काफ़ी हो ग्रीन हाउस इफेक्ट देने के लिए। हमको देखो सब लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। आई मीन हम फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं सबके, सब बहुत प्यार करते हैं हमसे। हाँ मगर लोग टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेने लगते हैं हमको। आई मीन जब नीट पास आने लगता है तभी बस ज़्यादा ध्यान देते हैं, वरना बाकी टाइम तो हमको हाइबरनेशन में ही छोड़ देते हैं और फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अरे बायो तुम थोड़ा ऊपर आओ, थोड़ा अपना वैल्यू बढ़ाओ, ग्रेविटी के कारण और नीचे धंसी चली जा रही हो। थोड़ा भाव बढ़ाओ अपना क्वेश्चंस का, नहीं तो ऐसे ही सब हल्के में लेंगे। देखो हमको, कुछ सीखो हमसे। उन लोग भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो बायो के ही आते हैं, और भले हम उन लोग को ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं बट कभी हम म्यूटेशन कर गए ना और टफ टफ क्वेश्चन लाने लगे ना, तब समझ में आएगा। अरे ये तो सीधे करंट मार दिया, वो भी बहुत बड़े एम्पियर के साथ। अब तो फाइनली खैर से डेट अनाउंस हो गया है, तो अब उन लोग का हम लोग के प्रति बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा और फाइनली जाकर हम लोग का टेंशन मिलेगा थोड़ा। हाँ मिला है ना, हम दोनों एकदम एनांशियोमल्स जैसे एक दूसरे के लिए लगता है बने। ओहो तुम्हारा दिल भी तो सिर्फ ब्लड पंप करने के लिए ही धड़कता है। देख लेना कहीं फ्रिक्शन ना होने लगे। अरे उसको फ्रिक्शन नहीं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। इतने टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। घर पर सब कैसा है? फैमिली कैसी है तुम्हारी? हाँ मेरे तीनों भाई बहन भी बहुत अच्छे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पता नहीं बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होने लगे हैं आजकल चेहरे पे, उसके केमिकल रिएक्शन की वजह से बाकियों को प्रॉब्लम हो रहा है उसको याद करने में। और समझ में भी नहीं आता ना कि कहाँ से उसको रिएक्शन हो गया, बस मतलब हो जाता है और उसका मैकेनिज्म समझ में नहीं आता। भाई बहन इनऑर्गेनिक कैसी है? अच्छा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो वहाँ पर शायद एक्सेप्शन बना रही थी कोई नया, बस वो एक्सेप्शन कुछ लिख कर आ रही है, ऑलरेडी बना चुकी है, बस एक उसके दिमाग में एक नया एक्सेप्शन आया है ही ना, कुछ अलग है एक्सेप्शन ही है वो एक तरह से। फिजिकल केमिस्ट्री बिंदास रहती है, दिनों रात तो सिर्फ उसके लिए दूसरे लोग निमोनिक्स बनाते रहते हैं, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो फॉर्मूला देती है, लोग निमोनिक्स बनाते हैं। उसको बस उसको क्या करना है, उसको बस सिचुएशन दूसरे के लिए टफ करने के लिए हार्ड हार्ड नंबर्स दे देना है, वैल्यू दे देना है, उसके बाद हो गया काम सवा। एक्चुअली मैथ्स का फोन आ रहा है। हेलो, अरे मैथ्स का साउंड नहीं आ रहा, ईगो कर रहा है। अच्छा रुको मां। हाँ अरे यार हमको भी जाना है, हमको जाना तो आजकल बहुत बिजी हैं, पता नहीं क्यों जूनियर बच्चे भी आजकल प्रोडक्शन पढ़ने आ जा रहे हैं। सो हाय एवरीवन, आप सब कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो बनाने का आइडिया कैसा लगा। और वीडियो खत्म होने से पहले हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन वापस से देना चाहते हैं कि प्रेपलैडर ऐप जो हम नीट पीजी के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो ऐप अब फाइनली नीट यूजी के लिए भी बहुत सारे लेक्चर्स और प्रीमियम पैक्स लाने वाले हैं, मतलब ले आए ऑलरेडी। तो उसमें अरे
वो फाइनली अब नीट यूजी की प्रिपरेशन में भी आप सबकी हेल्प करेंगे। तो उसका नीट यूजी प्रीमियम पैक अब स्टार्ट हो गया है, जो अगर आप 31 जुलाई तक रजिस्टर कर देते हैं तो फिर आपको 6 months के लिए फ्री मिलेगा। और अगर बट ऐसे ही सिर्फ रजिस्टर करने से फ्री नहीं मिलेगा, आपको मेरा इन्वाइट कोड सोबिया 18 वहाँ पर डालना होगा, कैपिटल में SOBIA 18। तो उससे आप अगर रजिस्टर करते हैं तो 6 months के लिए आपको वो पैक, मतलब वो सारे लेक्चर्स फ्री मिलेंगे। बट इसे फ्री नहीं मिलेगा, आपको मेरा इनवाइट कोड SOBIA18 वहाँ पर डालना होगा, कैपिटल में SOBIA18। तो उससे आप अगर रजिस्टर करते हैं तो 6 months के लिए आपको वो पैक, मतलब वो सारे लेक्चर्स फ्री मिलेंगे। बट ये बस 31 जुलाई तक वैलिड है, तो जल्दी से करिए।